Dear students of class 7, now I am going to start chapter 5 of your English text, and the title of the chapter is The Devoted Friend by Oscar Wilde. देखो, ऐसा अक्सर होता है कि हम कुछ कुछ लोगों को हमारे बेस्ट फ्रेंड मानते हैं और उनके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन ये आदमी जिसको हम सबसे बेस्ट फ्रेंड मानते हुए चलते हैं वो दरअसल हमारे बेस्ट फ्रेंड नहीं है और वो हमारा फ़ायदा उठाता है और हमारी नुकसान करता है। तो आओ ये कहानी हम लोग पढ़ते हैं कि देखो, कभी एक समय एक बहुत ईमानदार आदमी जिसका नाम था हैंस नाम के एक बहुत ईमानदार आदमी रहता था। वो अपनी एक छोटी सी कुटिया में वो अकेला रहता था और बड़ी मेहनत से वो अपने कुटिया के आसपास जो उसका छोटा सा बगीचा था वो उस बगीचे में बड़ा कठोर हर दिन मेहनत करता था। देखो, सारा गांव में, इन ऑल द कंट्री साइड, मतलब वहाँ पे जो आसपास के गांव था वहाँ पर हैंस का बगीचा छोटा ज़रूर था, लेकिन उस जैसा खूबसूरत बगीचा किसी का नहीं था। हर तरह की फ्लावर यहाँ पे ब्लॉसम करता था, मतलब खिलता था, और हैंस की मेहनत की वजह से उसकी बगीचा बेहद खूबसूरत हो गया था। इस बगीचे में खिलने वाले फूलों की जो स्वीट फ्रैग्रेंस, मतलब जो मीठी गंध है, वो चारों तरफ फैलता था। ठीक है, जब यहाँ पे फूल खिलता था उसकी सुगंध चारों तरफ फैलता था। ये जो हैंस है उसके काफ़ी सारे दोस्त थे, लेकिन उसके सबसे करीबी दोस्त थे हग द मिलर। मिलर मतलब मिल चलाने वाला, जहाँ पर गेहूँ वगैरह चीज़ का पिसाई होता है। तो हग जो है, ये हग वॉज सो डिवोटेड, हग जो है वो भी हैंस का, वो हैंस को काफ़ी ज़्यादा प्यार करता था। इतना ज़्यादा प्यार करता था कि वो अक्सर हग की घर की, सॉरी, हैंस की बगीचे की बगल से गुजरने के वक्त वो वहाँ पर कुछ प्लम या चेरी जैसा फल तोड़ के अपनी पॉकेट में ला लेता था, या कोई हर्ब, खाने वाले जो लता होते हैं, ऐसी कोई लता वगैरह जो भी था वो वहाँ से उठा लेता था। और वो कहता था अक्सर, ये मिलर जो है हग, वो अक्सर कहता था हैंस से कि देखो हैंस, जो अच्छे दोस्त होते हैं उनमें हर चीज़ शेयर करना चाहिए, दे शुड हैव एवरीथिंग इन कॉमन, मतलब आपस की जो भी चीज़ है वो दोनों को मानना चाहिए कि हमारे जो भी है वो तुम्हारे हैं और तुम्हारा जो भी है वो मेरा है। तो हैंस भी मुस्कुराता था और अपनी सर हिलाता था, और हैंस को बड़ा घमंड होता था, हैंस को बहुत अच्छा लगता था कि उसके इतने ऊंचे विचार रखने वाला कोई दोस्त उसे मिला है। तो देखो, अब इनके जो पड़ोसी थे, ये पड़ोसियों को हमेशा ये स्ट्रेंज लगता था, बड़ा अजीब लगता था। ये मिलर जो है वो काफ़ी अमीर था, लेकिन वो हैंस को कभी कुछ नहीं देता था। ठीक है, तो उसके मिल में बस्ता गेहूँ रखा होता था। ठीक है, उसके 6 गाय था जो इतना दूध देता था, और काफ़ी सारे शीप थे उसके पास। ठीक है, लेकिन वो हैंस को कभी, हैंस की बगीचे से वो फल लेता था, लेकिन बदले में वो हैंस को कभी कुछ देता नहीं था। लेकिन हैंस कभी ये सब चीज़ों के बारे में सोचता नहीं था, ये कौन मुझे क्या दिया नहीं दिया वगैरह। वो खुशी खुशी अपनी बगीचे में काम करता था सारा समर, विंटर और ऑटम। लेकिन जब विंटर आता था तो देखो, जो जगह पर हैंस रहता था वो जगह बड़ा ठंडी की जगह था, तो जब विंटर आता था तब उसके बगीचे में न फूल होते थे न फल होते थे जो वो लेकर बाजार में बेचकर पैसा कमा सके। तो उस वक्त वो बड़ा ठंडे से भुगतता था, काफ़ी वक्त उसको हंगर होता था, मतलब उसको खाना नहीं मिलता था। तो सिर्फ जो कुछ बादाम सूखे फल वो जो जमा के रखता था, वो डिनर में उसको सिर्फ वही खाना पड़ता था। और उसके उसके घर में कोई नहीं था, वो अकेला था, तो वो बिल्कुल अकेला होता था। और विंटर के मौसम में ये मिलर जो है वो कभी अपने दोस्त हैंस से मिलने भी नहीं आता था। क्यों नहीं मिलने आता था? ऑब्वियसली वो हैंस को सही प्यार नहीं करता था। समर में वो हैंस की कुटिया में आता था ताकि वो उस कुटिया से फल वगैरह ले सके। विंटर में चूँकि लेने लायक कुछ होता नहीं था, तो वो कभी भी अपना दोस्त का ख्याल रखने के लिए आता भी नहीं था। और वो कहता था, वो सोचता था कि भाई अब इस वक्त, ये विंटर के वक्त हैंस से मिलने जाना बेकार है, क्योंकि जब
हैंस देखो, जब लोग परेशानी की स्थिति में रहते हैं तब उनको अकेला छोड़ना ही अच्छा है, ऐसा वो कहता था। देखो अच्छे दोस्त ऐसा नहीं करते, अच्छे दोस्त क्या करते हैं, जब उसकी दोस्त मुसीबत में होते हैं तो वो अपनी दोस्त को मदद करने के लिए जाता है। लेकिन ये मिलर जो था वो बड़ा स्वार्थी था, वो सोचता था कि विंटर में जाऊंगा तो हैंस को उल्टा मुझे मदद करना पड़ेगा, इसलिए हैंस से दूर रहो तो अच्छा है। तो वो कहता था उल्टा कि लोग जब परेशानी में होते हैं तब उसके उनके पास उनको अकेला छोड़ना ही बेहतर है, तब उनको अकेला छोड़ना चाहिए। तो मैं तो दोस्ती के बारे में ऐसा ही सोचता हूँ, ठीक है, तो मैं दोबारा उसके पास जाऊँगा जब समर आएगा, जब वो मुझे अपनी बगीचे से प्रिमरोजेस, ये एक तरह का फूल है, जब वो अपनी बगीचे से मुझे फूल दे पाएगा और तब हैंस भी खुश हो जाएगा। अभी जाऊँगा तो हैंस मुझे कुछ नहीं दे पाएगा तो वो दुखी हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो हग द मिलर, उसकी बीवी कहती थी यार हाँ तुम बहुत ज़्यादा दूसरों के बारे में, बड़े ऊंचे ऊंचे विचार है तुम्हारे, तुम दूसरों के बारे में कितने सोचते हो, तो अपने विंटर में अपने गर्म कमरे में अपने कंफर्टेबल चेयर में बैठकर उसका पति भी उसके पत्नी भी उसके साथ सहमत जताती थी। लेकिन हग मिलर का जो यंगेस्ट सन था वो कहता था कि पापा हम हैंस अंकल को तो यहाँ पर कभी कभी इनवाइट कर सकते हैं। तो हक कहता था कि बेटा अगर वो यहाँ पर आएगा और वो देखेगा कि हम कितने अच्छे खाने खाते हैं, हमारे घर में कितना अच्छा, हमारा घर में आग जलता है हमारे कमरे के अंदर और हमारा कमरा विंटर में भी कितना गर्म है, तो वो हमसे जलने लगेगा। और जब जलने लगेगा तो उसके मन में लालच हो जाएगा और तब वो क्या करेगा, शायद मुझसे उधारी में गेहूं मांगेगा और उधारी में मैं तो कोई चीज़ दूंगा नहीं, तो क्योंकि गेहूं एक चीज़ है, दोस्ती दूसरी चीज़ है, ठीक है। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि हैंस की जो कैरेक्टर है, उसकी जो नेचर है, चरित्र है, वो ख़राब हो जाए, तो मैं उसका सबसे अच्छा दोस्त हूँ। तो ये देखना मेरा कर्तव्य है कि हैंस का कैरेक्टर हमेशा सही रहे, हैंस का कैरेक्टर कभी ख़राब न हो, ये देखना दोस्त होने के नाते मेरा कर्तव्य है। अब देखो जब विंटर ख़त्म हो जाता था और जब समर आता था, दोबारा प्रिमरोजेस उगने लगता था, तब हग सोचता था कि चलो हैंस को मिले। तो वो अपनी घर से नीचे उतर कर अपने हाथ में एक कटोरी लेकर वो हैंस का पास पहुंच गया, कहा कि गुड मॉर्निंग हैंस, विंटर कैसा रहा? तो हैंस कहा कि मेरा तो बड़ा कठिन वक्त रहा, लेकिन अब जब स्प्रिंग आ गया है तो मैं खुश हूँ। तो हैंस कहता था, मिलर कहता था कि हैंस विंटर में मैं और अपनी बीवी अक्सर मैं तुम्हारे बातें करते रहते थे। तो हैंस कहता था कि मुझे तो डर लगता था कि आप मुझे भूल गए हो। तो मिलर मुस्कुराते हुए कहता था कि दोस्ती में दोस्त कभी दोस्त को भूलता नहीं है। अरे कितना खूबसूरत तुम्हारे प्रिम रोजेज लग रहे हैं। हैंस कहा ज़रूर, तो आज मैं इनको बाजार में बेचूंगा और उससे आई विल बाई बैक माई व्हील बैरो विद द मनी, उससे मुझे जो पैसा मिलेगा तो मैं अपना व्हील बैरो दोबारा खरीदूंगा। व्हील बैरो मतलब होता है कि देखो एक छोटा सा गाड़ी जिसके एक पहिया होता है और दो हाथ में पकड़ कर उसको ढकेल के लेकर जाना पड़ता है। तो विंटर में जब हैंस के पास पैसा नहीं था तो हैंस किसी के पास अपना व्हील बैरो जमा रख कर पैसा उधार लिया था। तो हैंस कहता है कि आज मेरे इतने खूबसूरत जो प्रिम रोजेज है उनको मैं बेचकर जो पैसा मिलेगा उससे मैं अपना व्हील बैरो वापस ले लूँगा। तो मिलर कहता है हग कि क्या तुमने बेचा था, ये बड़ा मूर्खता के काम किया। तो हैंस कहता है मुझे करना ही पड़ा क्योंकि विंटर में मुझे रोटी खरीदने का भी पैसा मेरे पास नहीं था। तो सबसे पहले मैं अपने कोट के चांदी के जो बुताम है, बटन है, उनको बेचा, फिर मैं अपनी चांदी का चेन बेच दिया और लास्ट में मैं अपना व्हील बैरो बेच दिया। लेकिन अब जब स्प्रिंग आ गया, दोबारे मेरे बगीचे में फूल खिलेंगे, फल खिलेंगे, मैं बेचूंगा उनको बाजार में, तो मैं वो सारे दोबारा खरीद लूँगा। तो मिलर सेड, अरे हैंस मैं तुम्हें अपना व्हील बैरो दे दूंगा, हालांकि इसकी एक साइड टूट गया है क्योंकि मुझे लगता है कि दोस्ती में आदमी को दोस्त को मदद करना चाहिए, और मैं एक नया व्हील बैरो अपने लिए खरीद भी लिया हूँ। तो हैंस कहता है कि चलो कोई बात नहीं है, मैं एक लकड़ी लगाकर तुम्हारा ये टूटा जो व्हील बैरो है उसको मैं ज़रूर रिपेयर कर लूँगा।
तो मिलर कहता है प्लैंक ऑफ वुड, लकड़ी, लकड़ी कहाँ से दूंगा मैं तुझे। अच्छा लकड़ी यार हैंस, जिस कमरे में मेरा बार्न, मतलब जिस कमरे में मैं अपनी फसल जमा के रखता हूँ, उसका छत टूट गया है, तो मैं तुम्हें व्हील बैरो दे रहा हूँ, तो तुम उसके बदले में तुम्हारा प्लैंक दे दो, ठीक है। हालांकि देखो तुम्हारी प्लैंक के, प्लैंक से मेरा व्हील बैरो का कीमत काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन सही दोस्ती में ये सब सोचना नहीं चाहिए। तो देखो हैंस को फिर हैंस की अच्छापन का फ़ायदा उठाकर यह हग क्या करता है, हैंस को एक बेकार सा व्हील बैरो दे देता है और उससे वो प्लैंक ले लेता है। लेकिन हैंस ये सब छोटी बातें वो समझता नहीं है, सब चालाकी की बातें हैंस को समझ में नहीं आता है। तो हैंस खुशी खुशी वो क्या करता है, अपने कमरे के अंदर घुसता है और वहाँ से वो प्लैंक लेकर आता है। और मिलर को, तो मिलर कहता है देखकर कि यार हैंस ये प्लैंक तो बहुत बड़ा नहीं है, ठीक है, तो मुझे तो डर है कि इस प्लैंक से जब मैं अपने छत रिपेयर कर लूँगा तो मेरे व्हील बैरो रिपेयर करने के लिए काफ़ी प्लैंक या लकड़ी बचा नहीं रहेगा। तो अब चूंकि मैं तुमको व्हील बैरो दे दिया हूँ, अब तुम्हें तो ये प्लैंक तो बड़ा कम हो जाएगा व्हील बैरो के लिए, तो इसीलिए ये प्लैंक के साथ साथ ये लो मैं कटोरी लाया हूँ, इस प्लैंक के साथ साथ थोड़ा बहुत फूल भी दे दो। तो हैंस कहा तो और बोला कि थोड़ा भर के देना। तो हैंस थोड़ा दुखी होकर बोला भर के दूंगा, क्योंकि हैंस को पता था कि अगर वो उस कटोरी को, उस बास्केट को वो भर के फूल देगा, फिर बाज़ार में बेचने के लिए उसके पास कोई फूल नहीं रहेगा। ही वॉज़ वेरी एंग्शियस टू गेट रिड ऑफ दिस, क्योंकि हैंस तो बड़ा वो बेचैन हो रहा था कि कब वो अपना सारा फूल बेचकर अपने चांदी की बटन, चांदी के जो बोतल हैं वो वापस लाए। तो हैंस थोड़ा हिचकिचाया, तो हक बोला कि हैंस ये क्या, मुझे तो लगता था हमेशा कि सही दोस्ती में कोई स्वार्थीपन नहीं होना चाहिए। तो हैंस कहा माय बेस्ट फ्रेंड, मेरी बगीचे में जितने फूल है वो तुम सारा रख सकते हो, मैं, मेरे लिए सिल्वर बटन से भी ज़्यादा माने रखता है तुम्हारी दोस्ती। तो देखो मिलर जो है, शैतान जो वो था, वो हैंस की भोलेपन का फ़ायदा उठाकर वो सब खूबसूरत खूबसूरत फूलों से वो सारे अपने बास्केट भर लिए, और फिर हैंस को गुड बाय बताते हुए वो वहाँ से चला गया, बास्केट में फूल भरा और वो लकड़ी, वो प्लैंक लेकर वो हैंस के घर से वहाँ से चला गया। जाते जाते वो गुड बाय बोल गया, ठीक है, तो हैंस भी बोला गुड बाय एंड बिगन, और वो अपनी मिट्टी गार्डन का खोदने लगा, ठीक है, और वो बड़ा खुश था कि उसे एक व्हील बैरो मिलने वाला था। ओके, तो अब देखो क्या होता है। अगला दिन मिलर एक बहुत पीठ में, उसकी पीठ के ऊपर एक बहुत बड़ा गेहूं का बस्ता लेकर वहां पे आ गया, और उसने हैंस को कहा कि हैंस क्या तुम मेरे लिए ये गेहूं का बस्ता बाजार तक ले जाने में मुझे मदद करोगे। तो हैंस कहा कि मैं बहुत बिजी हूँ, ठीक है। तो मिलर कहता है कि हैंस अगर तुम मुझे इस मदद करने से इनकार कर दोगे तो मुझे लगेगा कि तुम मेरे अच्छे दोस्त नहीं हो। तो हैंस कहा नहीं नहीं ऐसा तो मैं करना नहीं चाहता हूँ। तो हैंस अपना काम छोड़ दिया और वो भारी बस्ता लेकर बड़ी कठिनाई पूर्वक वो बाजार की तरफ चल दिया। काफ़ी गर्म दिन था, इट वॉज़ ए हॉट डे, और रास्ते में काफ़ी धूल था। 5 मील वो भारी बस्ता लेकर चलने के बाद हैंस इतना थक गया कि वो रेस्ट लेने के लिए बैठ गया, लेकिन उसको जाना था, दोस्त का बस्ता उसको बाजार पहुंचाना था। तो वो आखिर वो बाजार पहुंच गया और काफ़ी अच्छे कीमत में उसने वो गेहूं बेच दिया। तो अगला मॉर्निंग, अगला दिन सुबह ये मिलर दोबारा आ गया अपना पैसा लेने के लिए, लेकिन हैंस तब बिस्तर में सोया हुआ था। तो वो हैंस क्योंकि क्यों सोया हुआ था, क्योंकि पिछले दिन ये भारी बस्ता लेके जाने के लिए उसका बड़ा, उसको थकावट हुई थी, परेशानी भी थी, तो वो रेस्ट ले रहा था। तो मिलर आके बोला हैंस तुम बहुत लेजी हो, ठीक है, तो मैंने तुमको मेरा व्हील बैरो दिया तो तुम्हें और ज़्यादा मेहनत करना चाहिए। तो हैंस अपनी आंखें पोंछते पोंछते कहा बहुत सॉरी लेकिन मैं बहुत टायर्ड था, ठीक है। तो उसने हैंस को कहा कि हैंस आज तुम मेरे साथ थोड़ा मेरा घर चलो, मैं चाहता हूँ कि मेरे जो बार्न है, बार्न का छत को जो रिपेयर करना है उसमें तुम मेरा थोड़ा मदद करो।
ठीक है। तो हैंस ये सुनकर थोड़ा परेशान हो गया, क्योंकि दो दिन से उसने अपनी फूलों को पानी नहीं दिया था और आज उसको अपने फूलों को पानी देना था। लेकिन वो मिलर से दोस्ती बनाए रखना चाहता था, क्योंकि वो सोचता था कि ये मिलर उसका बहुत अच्छा दोस्त है। तो वो मिलर का घर चला गया और सूर्यास्त तक वो मिलर के घर में काम करता रहा, ठीक है। और मिलर कहा, जब पूरा काम खत्म हो गया तो मिलर कहा कि देखो, जब कोई दूसरे के लिए काम करता है उससे ज़्यादा खुशी आदमी को किसी चीज़ के में चीज़ में नहीं मिलता। तो हैंस भी उत्तर में कहा, हैंस बार बार भोला था, तो हैंस बोला कि दोस्त, तुम्हारी मुँह से इतनी ऊंची ऊंची विचार सुन के मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्या मैं भी कभी कभी तुम्हारा जैसा इतनी ऊंची ऊंची बातें कर पाऊँगा? तो मिलर कहा, ज़रूर कर पाओगे, क्योंकि अब तो तुमने मुझसे सीख गए हो कि अच्छे दोस्त कैसे होते हैं। अगर तुम और ज़्यादा मेहनत करोगे तो तुम भी अच्छी दोस्ती के बारे में मेरे जैसे बड़ी बड़ी बातें कर पाओगे। लेकिन अब तुम घर जाओ और घर जाके रेस्ट लो, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि कल तुम मेरे जो शीप है उनको थोड़ा चढ़ाने के लिए, उनको घास खिलाने के लिए कल पहाड़ तक ले जाओ। तो इस तरह से हर दिन मिलर हैंस को कोई ना कोई काम देता रहा, कभी उसके मिल में मदद करो, कभी ये करो, कभी वो करो। तो मिलर के काम में हैंस इतना बिजी रहा कि वो अपनी फूलों की देखभाल नहीं कर पाया और उनके सारे जो फूल है वो खराब होने लगा। एक दिन शाम को हैंस अपने घर में वो बैठा हुआ था, बड़े तूफान चल रहा था, चारों तरफ जोर जोर से तूफान की आवाज़ सुनाई दे रहा था। तभी उसने दरवाजे पे किसी की खटखटाहट सुनी। मिलर था, हाथ में एक लैंटर्न लेके मिलर पहुंच गया था। तो हैंस कहा कि बात क्या है? तो मिलर कहा कि हैंस, मेरी जो लड़का है वो, उसको काफ़ी चोट लगा है और मुझे डॉक्टर को लेने जाना है, लेकिन वो बहुत दूर रहता है, ठीक है। तो अच्छा यही होगा कि अगर मेरे जगह पे तुम जाओ, क्योंकि तुम ज़्यादा जल्दी जा सकते हो और वैसे भी मैंने तुमको मेरा व्हील बैरो दिया हूँ, तो मेरे लिए तो तुम्हें कुछ करना ही चाहिए। तो हैंस बेचारा, देखो इतना कुछ कराता रहा हैंस से, फिर भी वो टूटा फूटा व्हील बैरो का ही बात वो करता रहा। तो हैंस कहा कि मैं बहुत खुश हूँ तुम मेरे पास आए हो, मैं ज़रूर जाता हूँ। तो वो लैंटर्न लेकर, और वो कहता है कि देखो लैंटर्न मुझे दे दीजिए, क्योंकि बड़ा अंधेरा है, हो सकता है कि मैं कहीं गिर जाऊँ। लेकिन मिलर वो भी मदद करने के लिए तैयार नहीं था। मिलर बोला, लेकिन ये मेरा नया लैंटर्न है और मैं नहीं चाहता हूँ कि इसको कुछ हो जाए। फिर हैंस बोला, ठीक है चलिए, मैं आपके लैंटर्न के बिना ही काम निकाल लेता हूँ। तो हैंस क्या किया, अपने कोट पहना, गले में मफलर लगाया और वो डॉक्टर के घर की तरफ रवाना हो गया। लेकिन बाहर वो कुछ देख नहीं पाया और हवा इतना तेज़ था कि वो खराब ही नहीं हो पा रहा था। फिर भी बड़े परेशानी से कुछ 3 घंटा पैदल चलने के बाद वो डॉक्टर के घर पहुंचा। डॉक्टर बोला, कौन है? हैंस बोला, मैं हूँ, मिलर का बेटा घायल हो गया है, मिलर की बेटे को चोट पहुंचा है और वो चाहते हैं कि आप जल्दी आओ। तो डॉक्टर बोला, ठीक है। तो वो अपनी घोड़े को बुलाया, घोड़े को बाहर लाया, अपनी जूता पहना, लैंटर्न हाथ में लिया और मिलर के घर की तरफ रवाना हो गया और हैंस वापस उसके पीछे पीछे चलने लगा। लेकिन तूफान बुरे से बुरा होता गया और हैंस अपनी रास्ता खोकर वांडर्ड ऑफ ऑन द मूर। मूर मतलब होता है एक बहुत बड़ा ज़मीन, कहीं पे दलदल, कहीं पे बड़े बड़े घास, जहाँ पे कुछ मतलब फसल उगता नहीं है, बंजर ज़मीन जो पड़ा हुआ होता है। तो और ये मूर जो होता है वहाँ पे बड़े बड़े गड्ढे थे और बेचारा हैंस वहाँ पर एक गड्ढे के अंदर पानी में वो डूब गया, डूब के मर गया। तो हैंस का अंतिम संस्कार में जो गम मनाने आए थे उसमें सबसे ज़्यादा गम मना रहा था मिलर। तो मिलर कहा, मैं उसका सबसे बढ़िया दोस्त हूँ, इसीलिए मुझे ही सबसे बढ़िया बैठने का जगह मिलना चाहिए। ये कह के वो एकदम प्रोसेशन की स्टार्टिंग शुरुआत में चला गया, फ्रंट में चला गया और जाते जाते वो अपनी रुमाल से अपनी आँख पोंछता रहा। और वो और ब्लैक स्मिथ जो वहाँ पे लोहे का काम करता था, वो कहा कि ये सबके लिए, हैंस की मौत हम सबके लिए बहुत बड़ा नुकसान है। हर कोई इस बात के साथ सहमत हुआ। अब देखो, अब सवाल है कि क्या उसमें किसी ने
इस मिलर को कहा था कि आपकी जो इतना अच्छा दोस्त था हैंस, आपने उसके साथ बहुत गलत किया था? नहीं, किसी ने नहीं कहा, लेकिन ये मिलर सबको कहता रहा कि मेरे लिए ये बहुत बड़ा लॉस है क्योंकि मैंने इसको करीबन अपना व्हील बैरो दे ही दिया था, देखो असली में दिया नहीं था, फिर भी हैंस को सुनाता रहता था, सिर्फ बोला था कि मैं दूंगा। तो अब वो चिल्ला चिल्ला के रोते रोते सबको कहने लगा कि मेरे लिए बड़ा लॉस है क्योंकि मैं अपना पुराना व्हील बैरो करीबन हैंस को दे ही चुका था, अब मैं इसके साथ क्या करूं, ये इतनी बुरी शेप में है, ठीक है, कि इसको मैं कभी सेकेंड हैंड बेच भी नहीं पाऊंगा, तो अब मैं और अपने किसी भी चीज़ किसी को नहीं दूंगा, ऐसा बोल के वो यहाँ पर चला गया। तो देखो ये मिलर बहुत ही स्वार्थी दोस्त है और दोस्ती की बात कह के वो ये भोला भाला जो हैंस था उसका फ़ायदा उठाया। अब एक्सरसाइज में आ जाओ, यहाँ पर देखो, यहाँ पर कुछ प्रोवर्ब्स, कुछ सेइंग्स है जिससे हमें ब्लैंक्स को भरना है। पहला सेंटेंस देखो, ईरा एंड आसिया आर चाइल्डहुड फ्रेंड्स हु लाइक टू डू एवरीथिंग टुगेदर। तो आशिया और ईरा बचपन के दोस्त है, वो हर कुछ एक साथ करते हैं, तो दे आर लाइक टू पीस इन ए पॉट। टू पीस इन ए पॉट मतलब जो लोग एक दूसरे से बिछड़ते नहीं हैं। माई बेस्ट फ्रेंड हैज़ बीन बाय माई साइड थ्रू थिक एंड थिन। थिक एंड थिन मतलब बुरे और अच्छे वक्त में मेरे बेस्ट फ्रेंड मेरे बगल में मेरे साथ रहा। ऑल द बर्ड्स ऑफ ए फेदर फ्लॉक टूगेदर मतलब एक जैसे लोग एक साथ रहते हैं। आई वॉज ग्लैड दैट माई बेस्ट फ्रेंड एंड माई मदर गॉट अलॉन्ग लाइक अ हाउस ऑन फायर। अ हाउस ऑन फायर मतलब देखो यहाँ पर एक मिनट, जस्ट अ मिनट, अच्छा चार नंबर में देख रहा हूँ, पांच नंबर देखो, सिंस देयर अर्लीस्ट डेज सुमित एंड हिज फोर फ्रेंड्स हैव ऑलवेज बीन एज थिक एज। एकदम शुरुआत के दिनों से सुमित और उसके दोस्त इतने करीब था जैसे चोर अपनी करीब रहते हैं। बारी द हैचेट मतलब सारे झगड़ों को खत्म कर देना। मेंड देयर फेंसेस का मतलब भी होता है झगड़ा बंद करना। एंड रिया बॉट मी द क्लास नोट्स व्हेन आई वाज इल एट होम, अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इनडीड। मतलब जो दोस्त काम में आते हैं वही सही दोस्त होते हैं। अब यहाँ पर देखो कुछ शब्दों को अंडरलाइन किया गया है, तुमको बताना है कि वो अंडरलाइन किए गए शब्द वो क्लॉज है कि फ्रेज है। अब देखो जब वो अंडरलाइन किए गए शब्द पूरा मीनिंग देता है, अगर उन शब्दों को पढ़ के पूरा मीनिंग समझ में आता है तो वो क्लॉज होगा, और पूरा मीनिंग नहीं समझ में आता है तो फ्रेज होगा। जैसे देखो इन द इवनिंग शाम को, सिर्फ शाम को लिखने से क्या पूरा मीनिंग होता है? नहीं, तो ये हो जाएगा फ्रेज। दूसरा देखो आई कांट टेल यू, मैं तुम्हें बता नहीं सकता, ये पूरा मीनिंग दे रहा है तो ये हो गया क्लॉज। टर्न ऑफ द लाइट्स ऑफ बत्ती बुझा दो, ये भी पूरा मीनिंग दे रहा है तो ये भी क्लॉज है। द इम्पॉर्टेंस ऑफ ऑनेस्टी ईमानदारी की अहमियत, सिर्फ ईमानदारी की अहमियत इतना लिखेंगे तो पूरा मीनिंग नहीं हो रहा है तो ये फ्रेज हो गया। इन द बास्केट बास्केट में, ये भी पूरा मीनिंग नहीं हो रहा है तो ये भी फ्रेज है। ऑन द वॉल दीवार के ऊपर, ये भी पूरा मीनिंग नहीं है, ये भी फ्रेज हो गया। हु वन द स्पेलिंग कंपटीशन, जिसने स्पेलिंग कंपटीशन जीता, ये हो गया क्लॉज। और देखो द मैन विद द बस्टी बियर्ड, दाढ़ी वाला आदमी, ये भी पूरा मीनिंग नहीं है तो ये भी फ्रेज है। तो चलो इस चैप्टर में इतना ही करना है और बाकी का नोट सहित ये मैं थोड़ा देर बाद अपलोड कर दे रहा हूँ। ओके, थैंक यू सो मच।